YouTube की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी भी वीडियो में आपको ये 6 टाइप के सेंटेंस कन्वर्ट करके नहीं दिखा रखे होंगे। किसी ने आपको 2 सिखाएंगे, किसी ने आपको 3 सिखाएंगे, लेकिन दिस इज अ वन एंड ओनली वीडियो जिसमें आपको पूरे 6 के 6 जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कुछ भी लगा लीजिए, जितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन तीनों टाइप के सेंटेंस के, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं और हम वन बाय वन उनको सॉल्व करके देखेंगे। बेसिक रूल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली होते क्या हैं और इनकी पहचान आप कैसे करोगे। इसलिए मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस से बनी मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस में अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना। एक सिंपल सेंटेंस आपको मिला होगा, इसको आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मींस हमें एक क्लॉज को 2 क्लॉज में ब्रेक करना है और उसमें हमें कोई भी कंजंक्शन ऐड करनी है। वो कंजंक्शन हमारी फैन बॉयज में से कोई हो सकती है या हम इसके अलावा कोई और कंजंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अपने पहला सेंटेंस देखते हैं, शी केम हियर टू सी मी। ये एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है इसमें टू सी मी। अब इसको आपको 2 क्लॉज में ब्रेक करना है। इस सेंटेंस में आपको 2 क्लॉज ऐड करनी है। कैसे? शी केम हियर, इस कंडीशन से हम ये एंड ले लेते हैं, शी केम हियर एंड सी मी। अब देखिए यहां पे आपका कंडीशन भी ऐड हो गई, आपके 2 क्लॉज भी आपको मिल गई। तो ऐसे आपको हर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप यही रूल फॉलो करेंगे। बीच में आप कोई भी कंजंक्शन ऐड करोगे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल होगी और प्लस उस सेंटेंस को आप ब्रेक करोगे। सेकंड सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क द बॉय डिडंट सक्सीड। इन स्पाइट मींस अगर इसको हिंदी बोल के देखें, मेहनत करने के बावजूद भी लड़के को सफलता नहीं मिली। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसको कंपाउंड में बोल के देखते हैं, लड़के ने मेहनत करी फिर भी उसको सफलता नहीं मिली, या लड़के ने मेहनत करी लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। अभी जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको कोई सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने को दूं सिंपल को कंपाउंड में या कोई भी कंपाउंड को सिंपल में, तो आपका मेरा आंसर बिल्कुल सेम आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप भी वही कंजंक्शन यूज कर रहे हो जो मैं कंजंक्शन यूज कर रही हूँ। बेसिक कंसेप्ट सेम रहना चाहिए, रूल सेम रहने चाहिए, बाकी सेंटेंस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे द बॉय वर्क हार्ड बट, वापस इसमें समझ लेते हैं, बट डिडंट सक्सीड। लड़के ने मेहनत करी लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। थर्ड, द टीचर प्रेज द गर्ल फॉर हर डिलीजेंस। टीचर ने लड़की को उसकी मेहनत के लिए प्रेज किया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लड़की ने मेहनत करी इसलिए टीचर ने उसको प्रेज किया। तो यहां पे हम लिखेंगे द गर्ल वॉज डिलीजेंट। लड़की मेहनत थी, लड़की ने मेहनत करी इसलिए, सो यहां से द टीचर प्रेज्ड हर। फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं, द ओल्ड मैन सिट नियर द फायर स्मोकिंग। बूढ़ा व्यक्ति आग के पास बैठा हुआ था और स्मोक कर रहा था। देखिए अब यहां बोलने में भी आपकी कंडीशन आ गई, और स्मोक कर रहा था, तो जैसे हमने बोला ऐसे ही इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर देंगे। द ओल्ड मैन सिट नियर द फायर एंड स्मोक। है ना कितना इजी? सेंटेंस को देखो, उसको ब्रेक करो या फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हिंदी में जो उसका आंसर आता है उसको दूसरे सेंस में बोले के वही आप सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो। आप सॉल्व करते हैं कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंसेस को। इसमें हमें यहां पे पहले, सबसे पहले कंजंक्शन सर्च करनी होती है। मैं कंजंक्शन है कहां, और एंड बट देयरफॉर। इन 4 सेंटेंस में हमारी ये 4 कंजंक्शन है। आप अगर हमें इन सेंटेंस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें कंजंक्शन रिमूव करनी है, फिर जो ये दोनों साइड के पार्ट है इनको हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं,
ही मस्ट रन फास्ट और ही विल नॉट कैच द ट्रेन, उसे जल्दी भागना चाहिए वरना या फिर उसे ट्रेन नहीं मिलेगी। इसको हम सिंपल में बोले तो ट्रेन पकड़ने के लिए उसे जल्दी भागना चाहिए। इसको सेम ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, टू कैच द ट्रेन ही मस्ट रन फास्ट। देखिए यहाँ पे आपकी कंजक्शन का यूज भी नहीं हुआ, आपका सेंस भी वही आ गया जो कंपाउंड सेंटेंस में था, और प्लस आपके दोनों क्लॉजेस भी रिमूव हो गए, सिर्फ एक क्लॉज बच गया। लेकिन द सन रोज एंड द स्काई क्लियर, इसको भी हम हिंदी में ऐसे बोल के देखते हैं, सूर्य उगा और आसमान क्लियर हो गया। आसमान क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि सूर्य उग गया था। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सूर्य उगने के कारण आसमान क्लियर हो गया था, ऐसे इसको लिख भी देते हैं, Having the sun rose, सूर्य उगने के कारण द स्काई क्लियर। देखिए इससे इजी वे और इससे अच्छी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, एक बार बस ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे आप कन्वर्ट कैसे कर रहे हो, क्या आपको बेसिक ट्रिक्स यूज करनी है और क्या चीजें आपको देखनी होती हैं जब आप किसी भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो। थर्ड हम देखते हैं, हमें यहां से बट रिमूव करना है। ही रिपीटेडली फेल बट ही डिडंट गिव अप, वो लगातार फेल होता रहा तब भी उसने हार नहीं मानी। आप इसको दूसरी सेंस से बोल के देखते हैं, लगातार फेल होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी, ये भी हमारा कंपाउंड ही बन गया। इसको और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, वो लगातार फेल होता रहा तब भी उसने हार नहीं मानी, ये सिंपल सेंटेंस है। इसको लिख देते हैं, Having failed repeatedly, he didn't give up. Last sentence, she was lazy, therefore she failed. She was lazy, therefore she failed. वो lazy थी इसलिए वो fail हो गई। Fail क्यों हुई? क्योंकि वो lazy थी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, Being lazy, lazy होने के कारण fail हुई थी, तो being lazy, she failed. आपका एक simple sentence बन गया, एक clause है, आपकी conjunction भी यहाँ पे remove हो गई। तो ऐसे आप convert करोगे compound को simple sentence। जब भी आपको simple को complex में convert करना हो, तो आप तीन चार words रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इन तीन चार words को use करके आपका हर simple sentence complex में convert हो जाएगा। वो तीन चार words कौन से है? That, यहाँ पे आपका conjunction का काम करेंगे, That, What, If, Since, To। आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, सिंपल सेंटेंस है, उसने अपना गुनाह कबूल किया, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। अब इसमें हमें एक ही क्लॉज मिला है, अब इसमें हम दो क्लॉज कैसे लाएं? दो में से भी हमारे पे रिस्ट्रिक्शन है कि हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए और एक डिपेंडेंट ही चाहिए, काम नहीं चलेगा ना उसके बिना, केवल दो अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो, और उनको हमें फिर कनेक्ट कंजक्शन से कनेक्ट भी करना है, बहुत काम है, लेकिन एक सिंपल ट्रिक से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, इतना ही हाथ से ले लो, सेम, ही कन्फेस्ड, यहां पे लगाओ कोई भी कंजक्शन, यहां से हम ले लेते हैं डैट, डैट सबसे मोस्ट कॉमन कंजक्शन है, आपको अगर आपको 100 सेंटेंस मिले हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के, तो उन 100 में से 90 सेंटेंसेस में आपको डैट का यूज करके कन्वर्ट कर लेना है। नहीं यकीन हो तो आने वाले एग्जाम्पल्स में देख लो, ही कन्फेस डैट He has committed a crime. बन गया ना आपके complex sentence. He confessed that he, उसने confess किया कि उसने crime किया है. इसको हम एक और तरह से भी convert कर सकते हैं. He confessed that he is guilty. सेकेंड टाइप
में आप तब कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट करना इजीली आ जाए। आपको ये कन्वर्ट करना आ गया क्योंकि इसमें हमने वर्ड चेंज नहीं किए, कमिटेड अ क्राइम और कन्फेस्ड, हमने वो दोनों वर्ड सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कमिटेड अ क्राइम को गिल्टी में कन्वर्ट कर दिया है। ये सेंटेंस को शॉर्टन करने के लिए हुआ है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप केवल ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड सेंटेंस, ही बॉट हिज अंकल्स फैक्ट्री, उसने अपने अंकल की फैक्ट्री खरीदी। आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, उसने कौन सी फैक्ट्री खरीदी, अपने अंकल की। वो फैक्ट्री किसकी थी, उसके अंकल की थी, उसके अंकल को बिलोंग करती थी। तो जो हिंदी में आ रहा है सेम ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो, ही बॉट द फैक्ट्री। इनमें से सबसे सूचना मुझे यहां फिर वापस डैड ही लग रहा है, डैड बिलोंग टू हिज अंकल, टू हिज अंकल, है ना, कितना इजी। कंजक्शन लिख लो सारी, सारी के लिए पांच ही जो मैंने मीनिंग बताई है आपको, इसके अलावा भी हो जाती है यूज, वो डिपेंड करता है आपके सिंपल सेंटेंस के टाइप पे। बेसिकली तो ये थ्री या फोर ये फाइव ही यूज होती है। तो यहाँ पे मैंने अगेन यूज किया डैड का और मेरे पास ये दो क्लॉजेस आ गए और प्लस ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बन गया, ही बॉट द फैक्ट्री, डैड बिलोंग टू हिज अंकल। थर्ड देखते हैं, शी वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास करने के लिए बहुत मेहनत करी। उसने क्यों मेहनत करी, जिससे उसका टेस्ट पास हो जाए। इसको भी हम डैड की हेल्प से लिख सकते हैं, शी वर्क हार्ड सो डैड शी कुड पास द टेस्ट, शी वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट, शी वर्क हार्ड सो डैट शी माइट पास द टेस्ट। आप इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कोई से भी लगा सकते हो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिक आपका है, आपका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं, शी वर्क हार्ड सो डैट शी माइट पास द टेस्ट। फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं, ओनली हिंदूज कैन एंटर दिस टेम्पल, इस टेम्पल में केवल हिंदूज ही एंटर कर सकते हैं। मीन्स अगर आप एक नॉन हिंदू हैं, अगर आप हिंदू नहीं है तो आप इस टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते। यदि आप हिंदू नहीं है, यदि मीन्स इफ, इफ यू आर नॉट अ हिंदू यू कैन नॉट एंटर दिस टेम्पल। सेम ऐसे लिखते थे, इफ यू आर नॉट अ हिंदू You cannot enter this temple. This temple. अगर आप हिंदू नहीं है, if you are not a Hindu, you cannot enter this temple. ये हमारी हो गई independent clause और ये हमारी हो गई dependent clause. यहाँ पे हमारे जो conjunction है वो है and. चलिए अपने four type की तरफ बढ़ते हैं। Complex से simple में convert करने के लिए आपको अपने उस रूल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जो हमने पॉइंट नंबर थ्री में पढ़ा है, जिसमें हमने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में किया था। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करने के लिए हमने डैट को सेंटेंस में इंक्लूड किया था। यहाँ पे आपको ऐसी कंजक्शंस फाइंड आउट करनी है जो डैट भी हो सकती है, वॉट भी हो सकती है, उसके अलावा भी कुछ हो सकती है, और फिर आपको वो कंजक्शंस हटा के सेंटेंस को सिंपल करना है। बस ये ट्रिक ये है, सबसे पहले जितनी भी कंजक्शंस यूज हुई है, एक दो या तीन, उन सबको मार्क कर लो। यहाँ पे जैसे फर्स्ट में हमारी डैट यूज हुई है, सेकंड में हमारी वॉट यूज हुई है, थर्ड में अगेन डैट, एंड फोर्थ में फिर से डैट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था 90% कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे डैट को यूज करते हैं, तो उससे आप बच नहीं सकते। और इजी है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको डैट का यूज हो तो आपकी नजर आई एम श्योर तुरंत वहीं जाएगी उस डैट पे, आप उस डैट को मार्क करोगे। अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो डैट को इंक्लूड करोगे, और अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आपको कन्वर्ट करना है तो आप डैट को एक्सक्लूड कर दोगे, जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई नो डैट ही इज एन ऑनेस्ट गाय। अब यहाँ पे हमें डैट को रिमूव करना है, डैट को हमें छोड़ना नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते समय आपको ना ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं सेंटेंस में, आपका सेंटेंस ज्यादा चेंज होके नहीं लगेगा जब वो सिंपल में कन्वर्ट होगा, वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स की तरह यूज होगा। सारे फ्रेजेस, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब कुछ आपका कॉम्प्लेक्स वाला ही होगा, लेकिन आपकी क्लॉज एक रह जाएगी, प्लस आपका डैट मीन्स आपकी कंजक्शंस रिमूव हो जाएंगी। जैसे आई नो हिम टू बी एन ऑनेस्ट गाय,
यहाँ पे देखिए, आपकी डैट रिमूव हो गई, कंजेशन हट गई, आपकी एक क्लॉज आ गई और अगेन आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल हो गया। पढ़ के देखिए, सेंस वही है, आई नो डेट ही इज एन ऑनेस्ट गाय, मुझे पता है वो एक ईमानदार व्यक्ति है। अब यहाँ पढ़ के देखिए, आई नो हिम टू बी एन ऑनेस्ट गाय, मुझे पता है कि वो ईमानदार है। डैट का बिना यूज के भी हमारी वही बात आ रही है जो हमारी विद डैट को यूज करके आ रही थी। एक बार और देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, वी कुड नॉट फिगर आउट वॉट ही सेड, वी कुड नॉट फिगर आउट, हमें समझ नहीं आ रहा वॉट ही सेड, उसने क्या बोला, मीन्स हमें पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे वॉट को रिमूव करके सेम यही लिख दो, वी कुड नॉट फिगर आउट, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते समय आपके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके सेंटेंस में केवल 10% चेंज होता है, बाकी 90% आपका सेंटेंस वही रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इतना ही बिल्कुल सेम आ गया, आपको जो चेंज करना है अपनी कंजेक्शन शुरू होने के बाद से करना है। जैसे यहाँ पे आपने कंजेक्शन के बाद चेंज किया ना, पहले बिल्कुल सेम था, ऐसे यहाँ पे आपको कंजेक्शन के बाद ही चेंज करना है। वी कुड नॉट फिगर आउट वॉट ही सेड को हम लिख देंगे द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स, कि वो कहना क्या चाह रहा है। थर्ड, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, मैं विश्वास करती हूं कि भगवान है, कि भगवान है। अब की जो डैट है वो हमें यहाँ पे रिमूव करना है, की नहीं लगाना, मैं मानता हूं कि भगवान है, या फिर इसको हम सिंपल बोलेंगे मैं भगवान में मानता हूं, हो गया ना सिंपल, की यूज ही नहीं पड़ी, की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं मानता हूं कि भगवान है, इसको हम लिखेंगे मैं ईश्वर के होने में बिलीव करता हूं, आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नहीं पड़ी ना यहाँ पे डैट की यूज, और सेंस भी वही है और प्लस आपका क्लॉज भी आ गया। फोर्थ, दोज डैट आर हेल्पलेस डिजर्व अवर पिटी, अब यहाँ पे हमारा जो कंजेक्शन है वो है डैट, दोज डैट आर हेल्पलेस डिजर्व अवर पिटी, जो मजबूर है वो हमारी दया उन्हें मिलनी चाहिए, जो दोज डैट, यहाँ पे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, द हेल्पलेस डिजर्व अवर पिटी, मजबूरों को हमारी दया मिलनी चाहिए, जो मजबूर है उन्हें दया मिलनी चाहिए, नहीं, मजबूरों को हमारी दया की आवश्यकता है, मजबूरों पे हमें दया दिखानी चाहिए। तो इसमें आपका की का फंडा भी खत्म हो गया और यहाँ पे आपका सेंटेंस भी सेम आ गया। आप चलते हैं थोड़े से टफ सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हमें कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है और लास्ट में फिर हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स को वापस कंपाउंड में। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में आपको करना क्या होता है, आपको डैट का यूज करना होता है, जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में भी बताया था, डैट इफ सो ऑल्दो दो, इनमें से कोई भी कंडीशन का यूज आप अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कर सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बाय टू शर्ट्स टू गेट वन फ्री, बाय टू शर्ट, एक शर्ट फ्री पाने के लिए दो शर्ट्स खरीदो, दो शर्ट खरीदने पर आपको एक शर्ट फ्री मिलेगी। इसको वैसे लिख सकते हो, यदि आप दो शर्ट खरीदते हो तो आपको एक शर्ट फ्री मिलेगी, इफ यू बाय टू शर्ट्स, इफ यू बाय टू शर्ट्स You will get one free. You will get one free. यहाँ पे आपने यूज करी कंजेक्शन इफ, यदि आप दो शर्ट खरीदते हो तो आपको एक शर्ट फ्री मिलेगी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही डिडंट सक्सीड, उसने बहुत मेहनत करी लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, बहुत मेहनत करने पर भी उसको सफलता नहीं मिली, अभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना। एक बार और ट्राई करके देखते हैं, हालांकि उसने बहुत मेहनत करी फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। अब ठीक है, अब हालांकि को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो ही ट्राइड हिज बेस्ट
अब जब आपने दो यहाँ पे ले लिए तो आप दोबारा से सेंटेंस में बट यूज नहीं करोगे। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही डिडंट सक्सीड, दो का मतलब ये होता है कि हालांकि उसने बहुत मेहनत करी उसको सफलता नहीं मिली। अब आपको दोबारा से लेकिन यूज करने की नीड नहीं है यहाँ पे। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट ही डिडंट सक्सीड, इस बट का काम यहाँ पे आपकी दो ने कर दिया। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट बट डिडंट सक्सीड। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव टू हरी और यू विल मिस द बस, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी, बन गया ना एक बार में, तो उसको लिख देते हैं इफ यू डू नॉट हरी, ये डोंट, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस, यू विल मिस द बस। फोर सेंटेंस लिखते हैं, लेप्रोसी इज क्योरेबल एंड एवरीबडी नोज दिस, लेप्रोसी क्योरेबल है, कुष्ठ रोग क्योरेबल है और ये बात सभी जानते हैं। सभी कौन सी बात जानते हैं, सभी ये बात जानते हैं कि लेप्रोसी क्योरेबल है। तो एवरीबडी नोज दैट लेप्रोसी इज क्योरेबल, सब जानते हैं कि लेप्रोसी क्योरेबल है। यहाँ पे आपको यूज करना है दैट का, स्टार्टिंग को पहले ले आएंगे और जो पहला वाला पार्ट है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा। एवरीबडी नोज दैट लेप्रोसी इज क्यूरेबल। फिर हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड सेंटेंस में, मींस अब हमारे पास होनी चाहिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और जिनको हमें कनेक्ट करना है अपनी कंजक्शन से। और वो कंजक्शन कौन सी होंगी, वो होंगी ईदर फैन बॉयज में से एक या कोई और, वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे कि हम अपना सेंस कन्वे करने के लिए कौन सी कंजक्शन यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे। मीन्स अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे तो तुम गिर जाओगे, अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे तो तुम गिर जाओगे। वॉक केयरफुली, क्या यूज करें इनमें से, वॉक केयरफुली फॉल यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली एंड यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली नॉट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली बट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली और यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली येट यू शुड फॉल या वॉक केयरफुली सो यू शुड फॉल। इसमें से सबसे बेस्ट मुझे और लगा वॉक केयरफुली और यू शुड फॉल। ध्यान से चलो नहीं तुम, ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे। सेकेंड, ऑल्दो शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, हालांकि वो अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, शी इज रिच, रिच है लेकिन खुश नहीं है, लेकिन बट शी इज नॉट हैप्पी। कुछ मॉडर्न ग्रामेरियंस आप प्रोनाउन का दो बार यूज करना गलत मानते हैं, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को थोड़ा शॉर्टन कर देते हैं। शी इज रिच बट नॉट हैप्पी, शी इज रिच बट नॉट हैप्पी, शी इज रिच बट शी इज नॉट हैप्पी, बोथ आर ओके। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम प्रोनाउन को दोबारा यूज नहीं करते, इसलिए हम लिखते हैं शी इज रिच बट नॉट हैप्पी। एज सून एज वी हर्ड द गन शॉट वी रश टू द स्पॉट, जैसे हमने गोलियों की आवाज सुनी हम उस स्पॉट की तरफ भागे। हम क्यों भागे, क्योंकि हमने गोलियों की आवाज सुनी, तो एज सून एज वी हर्ड द गन शॉट वी रश टू द स्पॉट, वी रश टू द स्पॉट बिकॉज वी हर्ड द गन शॉट, ये भी चल जाएगा। या फिर वी हर्ड द गन शॉट, हमने गोलियों की आवाज सुनी और हम स्पॉट की तरफ भागे, ये भी ठीक है। वी हर्ड द गन शॉट एंड वी रश टू द स्पॉट, ये यहां से सेम आ जाएगा आपका। फोर्थ, आई कॉल फॉर अनिल हु केम एट वंस, मैंने अनिल को बुलाया जो तुरंत आ गया, मेरे बुलाने पर अनिल तुरंत आ गया, तो मैंने अनिल को बुलाया और वो तुरंत आ गया। आई कॉल फॉर अनिल, हु को कट कर देंगे एंड ही केम एट वंस,
अनिल हमारा यहाँ पे नाउन है, इसको इसकी प्रोनाउन हमने यहाँ पे वापस ही यूज करी है क्योंकि इसको हम इसकी तरह नहीं बना सकते। आप पढ़ के देखो, आई कॉल फॉर अनिल एंड केम एट वंस। नाउन आपके यहाँ पे एक बार यूज हुई है, आप उसका रिपीटेशन नहीं कर सकते। आई कॉल फॉर अनिल एंड अनिल केम एट वंस, वो सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने अनिल की जगह नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया, आई कॉल फॉर अनिल एंड ही केम एट वंस। फ्रेंड्स, इस मिक्स एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग इनोसेंट ही नेवर थॉट ऑफ रनिंग अवे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसको हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, मींस हमें सिंपल सेंटेंस को दो क्लॉजेस में ब्रेक करना है और उसके बीच में हमें कंजक्शन ऐड करनी है। सेंटेंस क्या है, बीइंग इनोसेंट ही नेवर थॉट ऑफ रनिंग अवे। बीइंग इनोसेंट, मासूम होने के कारण उसने कभी भी भागने की नहीं सोची, वो मासूम था इसलिए उसने भागने की नहीं सोची। He was innocent. इसको दो टाइप से बना सकते हो, He was innocent, so he never thought of running away. इसका सेकेंड ऑप्शन है, He was innocent and he never thought of running away. इसमें आपके दोनों कंजक्शन सूटेबल है, वो मासूम था इसलिए उसने भागने की नहीं सोची, या फिर वो मासूम था और वो भागा नहीं, दोनों ही यहाँ पे ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं जिसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड से सिंपल में। कंपाउंड मींस यहाँ पे आपकी आपको एक कंजक्शन मिली है और दो आपके क्लॉजेस हैं, आपको एक कंजक्शन रिमूव करके इन दो क्लॉजेस को वापस एक क्लॉज में कन्वर्ट करना है। तो हमारा सेंटेंस है, दे नॉट ओनली लूटेड द शॉप बट ऑल्सो सेट इट ऑन फायर। उन्होंने ना केवल दुकान को लूटा बल्कि उसको आग भी लगा दी। अब इस बल्कि को हमें रिमूव करना है यहां पे, तो हम इसको लिखेंगे, उन्होंने दुकान लूटी भी और उसको आग भी लगा दी। दुकान तो लूटी भी और आग भी लगा दी, ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। बिसाइड लूटिंग द शॉप, शॉप लूटने के साथ साथ कॉमा, they also set it on fire, set it on fire. दुकान तो लूटी, beside looting the shop they also set it on fire. ये आपका हो गया यहाँ पे क्लॉज। थर्ड, on seeing the lion the hunter climbed the tree. शेर को देख के शिकारी पेड़ पर चढ़ गया। ये आपका सिंपल सेंटेंस है जिसको आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स मींस आपके एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगी और जिसको आपको कनेक्ट करना है कंजक्शन से, और यहाँ पे हो सकता है आपका डैट का यूज भी हो क्योंकि मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डैट का यूज होता है। तो आप इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कॉम्प्लेक्स में। ऑन सीइंग द लॉयन द हंटर क्लाइम्ड द ट्री, व्हेन ही सॉ द लॉयन, ही कौन है यहाँ पे, हंटर, वेन ही saw the lion the hunter climbed the tree। मैं आपको बोला था जब हम पढ़ रहे थे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, किसमें 90% आपके सेंटेंस है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सारा सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पे आपने क्या किया, ऑन सीइंग द लॉयन की जगह आपने लिख दिया वेन ही saw the lion, जब उसने लॉयन को देखा तो शिकारी पेड़ पर चढ़ गया, द हंटर क्लाइम्ड द ट्री। फोर्थ, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये कहावत भी है, इसको हमें कन्वर्ट किया, हमारा कंपाउंड सेंटेंस है जिसको हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, मीन्स इसकी जो हमें कंजक्शन है वो रिमूव करनी है। पीपल हु, ये इसको हमें हु को रिमूव करना है। People live in glass houses should not throw stone, आपका इतना बचा, लेकिन people live in glass houses ये पढ़ने और writing में देखने दोनों में सही नहीं लग रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे people living in glass houses। अभी हिंदी में ऐसे नहीं होगा, जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, अब हम इसको जब हमने इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया तो हम बोलेंगे शीशे के घर में रहने वाले लोगों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। तो पीपल लिविंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा। फिफ्थ देखते हैं, डी पार्ट देखते हैं, यू हैव टू बी 18 ईयर ओल्ड
और यू कांट वोट, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड और यू कांट वोट, और कंपाउंड है तो एक कंडीशन हमें मिली यहाँ पे इसकी, और एक आपका ये क्लॉज हो गया और एक आपका ये क्लॉज हो गया, यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू कांट वोट अगेन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में, मीन्स आपको अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और इसको आपको वापस कन्वर्ट करना है, वापस कनेक्ट करना है एक कंजंक्शन के साथ, तो उसे कैसे, यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड और यू कांट वोट, यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड टू वोट, बन गया ना आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपने सॉल्व को भी रिमूव कर दिया, यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड टू वोट, वोट करने के लिए, टू वोट, वोट करने के लिए आपको 18 ईयर्स का होना जरूरी है। लास्ट पार्ट देखते हैं, इफ यू कैन नॉट ओबे मी यू हैव टू क्विट, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, अगर तुम मुझे ओबे नहीं कर सकते तो तुम्हें छोड़ना होगा, क्या छोड़ना होगा वो ही जाने, इफ यू कैन नॉट ओबे मी यू हैव टू क्विट, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड मीन्स आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनानी है और इसमें आपको यहाँ बीच में एक कंजंक्शन यूज करनी है, तो इसको बनाते हैं इफ यू कैन नॉट ओबे मी यू हैव टू क्विट, सिंपल बन जाएगा ओबे मी, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और कंजंक्शन क्विट, क्विट एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हम इसको यू क्विट भी मान सकते हैं, शी क्विट भी मान सकते हैं, ही क्विट भी मान सकते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है हिडन होता है, इसलिए हमारा वर्ब से ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा दोनों का काम चल जाता है, तो यहाँ पे देखिए ओबे मी इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्विट या यू क्विट अपने आप में सेंटेंस प्लस वर्ब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और आपका हो गया कंजंक्शन, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया कंपाउंड सेंटेंसेस में। Guys, I hope आपको ये वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और यूजफुल भी लगा होगा, अगर आपको ऐसी और ग्रामर रिलेटेड वीडियोस चाहिए या आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकें, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।